ज्यादा यूनिकॉर्न दिए आज खेती से लेकर आई एम समीपुर हैज ऑलरेडी प्रूव्ड दिस मेटल एज वन ऑफ द प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक वरदान विशेषकर संबलपुर भाई क्षेत्र जो चारिपटे इंडस्ट्री अच्छी ये प्राक्टिकाल एक्सपीरियंस नापी विद्यार्थी मानक अनेक क्लास इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस रे एवं हेबो सो ये गोटे अनुकूल परिस्थिति सृष्टि होती आईएम विद्यार्थी माने अनेक प्राक्टिकाल एक्सपीरियंस नहीं पारे एवं ये आईएम रु सेंट्रल सेंट परसेंट एटू प्लेसमेंट हो इंडस्ट्रियलिस्ट नुआ नुआ टेक्नोक्राट्स नुआ नुआ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एटू बाहर एवं ये ओडिशा को एक गौरवमय स्थान रे पहुँचेब ये मोर पूरा विश्वास अच्छी मैनेजमेंट वर्ल्ड रे ओडिशा रे एक महत्वपूर्ण प्रवेश यादारा होतरा आम समस्त ए बहुत गौरवान्वित आम माननीय प्रधानमंत्री स्वप्न आगे चरितार्थ करने जो साधना ता सहित आम समस्ते जोड़ी जाइ नमस्कार नरेन्द्र मोदी आगु भी कही है कि ओडिशा को इम्पोर्टेंस दे गुरुत्व देवे आप तो देखी आज 400 कोटी ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी नुआ बिल्डिंग आई एम बिल्डिंग हम तांगे सैनिक स्कूल भी होगा जाऊँगी सैनिक स्कूल भी कम हे और एमती एमती डेवलपमेंट कम आमर बीजेपी सरकार निश्चय ओडिशा को और गुरुत्व देवे ये सौभाग्य की बात है आदरणीय प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री जो हमारे बीच आए और यहाँ का शिलान्यास किए हमारे परमानेंट कैंपस का और उन्हें अपने उद्घोषण में ये भी दिशा भी दिया कि किस तरह की मैनेजमेंट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि संबलपुर में क्या क्या टैलेंट एंड क्या क्या पोटेंशियल है, चाहे वो वीवर्स पे हो, चाहे टूरिज्म पे हो, चाहे डेबरीगढ़ के बारे में भी बात किया उन्होंने, हीराकुड डैम के बारे में बात किया उन्होंने, यहाँ के बड़े बड़े कवियों के बात और जो वहाँ के स्वतंत्र सेनानी वीर साईं बाबा साईं जी के बारे में बात किया उन्होंने और जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स के बारे में बात किया। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत सारी प्रयोगशालाएँ हैं और लोकल को वोकल बनाइए, ग्लोबल बनाइए, उनका ये कहना था। ये नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, स्टार्टअप क्रिएट करिए और स्टार्टअप जो है यहाँ की कंपनी जो 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 संस्थानें हैं उसको बढ़ा के विदेश में भेजें, वो उनका कहना है। हैंडलूम पे व्यूवर से पूरा उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड क्लास संबलपुर एकट के बाद में बात किया उन्होंने, तो पूरा संबलपुर का उन्होंने कंप्लीट विवरण बता दिया कि और ये भी बता दिया कि ये वाला जो एजुकेशन हब होने जा रहा है संबलपुर आई एम संबलपुर होने के बाद ये पूरा इलाका में उन्होंने बता दिया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है, तीन और यूनिवर्सिटी भी हैं और सैनिक स्कूल भी है, CRPF ट्रेनिंग कॉलेज है और आईएम आने के बाद ये पूरा और भी यूनिवर्सिटी आएंगी यहाँ पे, हब बनाने जा रहे हैं इसको पूरा। सर ये कब तक कंप्लीट होगा? आप जैसे बोल रहे थे ये रिन्यूएबल एनर्जी में चले। हमारा जो कैंपस है अभी ये पूरा कैंपस का जो एरिया है तो 200 एकड़ है लेकिन पहले फेज में फेज़ वन में हमें भारत सरकार ने 401 करोड़ रुपया दिया है, उसमें जो है 75 एकड़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और ये जो है अप्रैल 2022 में बन के सिविल काम तैयार होगा और उसके बाद 3-4 महीने में और बाकी सर्विसेज होगा। तो जुलाई वाला जो सेशन है 2022 का वो यहीं पे होगा और उसमें पूरा एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी पूरा एनर्जी जो होगा हम लोग चाहेंगे सोलर पे चलेगा पूरा और अंदर में हम सोलर ही गाड़ियाँ रखेंगे सारा चार्जिंग स्टेशन वगैरह, क्योंकि फ्यूचर में अब सारा गाड़ी उसी में आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हम लोग चाहेंगे कि एक प्रयोग की तरह से हम लोग कैंपस के अंदर उसी को चलाएँ। जैसे कोई भी VIP आया तो जो भी आया अपनी गाड़ी लेके बाहर खड़ा करिए, वहाँ आपको सेल्फ ड्राइविंग या एक बैटरी ड्राइविंग गाड़ी होगी कार्ट जैसी या स्कूटर या साइकिल आप लीजिए और अंदर आइए।